तो माशाल्लाह से जुड़े लग चुके हैं हमारे। तो दोस्तों जुड़े तो हमारे लग चुके हैं, लेकिन दोस्तों जुड़े जो हैं वो उलट पुलट लग गए हैं, सही तरतीब से दोस्तों जुड़े नहीं लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आप तमाम दोस्तों को अपने मिनी ज़ू में। तो दोस्तों काफ़ी दिन हो चुके हैं कबूतरों ने अंडे दिए हैं। दोस्तों आज चेक करेंगे कितने कबूतरों ने बच्चे निकाले हैं, क्या अंडे फर्टाइल हैं या अनफर्टाइल हैं, क्या सूरत हाल है। तो दोस्तों आज चेक करेंगे, चलते हैं दोस्तों केज की तरफ। दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, तो अभी दोस्तों कबूतरों को हमने देना है दाना। पहले दोस्तों कबूतरों को दाना दे लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कबूतरों के अंडे कि कितने अंडे फर्टाइल हैं, कितने अनफर्टाइल हैं, कितने बच्चे निकले हैं। तो ये दाना दोस्तों मेरे हाथ में है, तो अभी दोस्तों कबूतरों को हमने देना है दाना। सारे कबूतर माशाल्लाह से नीचे आ चुके हैं, ये देखिए दोस्तों जब कबूतर दोस्तों टाइम होता है दाने का, सारे कबूतर खुद ब खुद दोस्तों माशाल्लाह नीचे आ जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों माशाल्लाह से जुड़े लग चुके हैं हमारे। तो दोस्तों जुड़े तो हमारे लग चुके हैं, लेकिन दोस्तों जुड़े जो हैं वो उलट पुलट लग गए हैं, सही तरतीब से दोस्तों जुड़े नहीं लगे, बेतुके दोस्तों जुड़े लग गए सारे। तो इंशाल्लाह दोस्तों ये फर्स्ट ब्रीड कबूतरों की लेके, तो इंशाल्लाह दोस्तों हम जो जोड़े हैं वो तरतीब से लगाएंगे, टेढ़ी के साथ टेढ़ी मादी, 35 के साथ 35 वर्ष नर, डब वाले के साथ डब वाली मादी, इंशाल्लाह जो जोड़े प्रॉपर हैं वो लगाएंगे। अभी दोस्तों ब्रीडिंग का सीज़न जो शुरू तो हो चुका है, कुछ फीमेल ने अंडे दिए हुए हैं, तो यही सोच रहा हूँ एक दफ़ा दोस्तों ब्रीड ले लेते हैं, क्या पता दोस्तों वो जो परिंदे हैं उसमें से कुछ उड़ने वाले हमारे निकल आए। तो इंशाल्लाह दोस्तों फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो जो सेकंड ब्रीड हम लेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें से कबूतरों को हम प्रॉपर जोड़े उनके लगा लेंगे। तो कबूतर यहाँ बाहर दाना खाते रहेंगे, तो हम दोस्तों चलते हैं जी केज के अंदर और देखते हैं जी कितने कबूतरों ने अंडे दिए हैं माशाल्लाह से। दोस्तों माशाल्लाह यहाँ फीमेल अंडे दिए हैं इस जगह पे, और एक दोस्तों इस जगह फीमेल अंडे माशाल्लाह दे दिए हैं, ये दोस्तों यहाँ दो हो गए जी, और इस जगह दोस्तों फीमेल अंडे दिए हुए थे, यहाँ भी दोस्तों माशाल्लाह से एक फीमेल अंडे दिए हुए हैं जी। और ये दोस्तों आज मैंने नेस्टिंग मटीरियल रखा था केज के खुले के अंदर, ताकि जो मादियाँ तैयार हैं अंडों के लिए वो अपना घोंसला शोसला बना लें। तो इस जगह दोस्तों एक फ़ीमेल और जो है वो घोंसला बना रही है, क्योंकि दोस्तों ये खाली पेटियाँ थी तो इधर ही कबूतरों ने अंडे दे दिए थे। तो मैंने दोस्तों घास लेके, तो गीली घास है कुछ खुश्क है, तो उस घास को दोस्तों मैंने नीचे रख के ऊपर अंडे रख दिए, ताकि अंडे दोस्तों जो वो ठंडे ना हो, ख़राब ना हो। तो उस जगह दोस्तों मैंने नीचे घास रखा है, ऊपर अंडे रख दिए हैं, और ये कुछ नेस्टिंग मटीरियल मैंने दोस्तों यहाँ रखा है, ताकि कुछ जो कबूतरियाँ हैं उन्होंने उठाना है तो उठा के ले जा सकें। तो इस जगह दोस्तों एक और फीमेल घोंसला बना रही है, तीन दोस्तों हमारे फीमेल ने अंडे दे दिए माशाल्लाह, और एक फीमेल जो है वह घोंसला बना रही है। तो ये दोस्तों हमने सेटअप बनाया सारा कबूतरों की ब्रीडिंग के लिए, आठ पेटियाँ दोस्तों माशाल्लाह इस जगह लगी हैं, और दोस्तों ये कुछ सेटअप मैंने इस तरह बनाया है, कुछ पेटियाँ इस तरह लगाई हैं। ये दोस्तों हमने ब्रीडिंग केज की दोस्तों सेटिंग की है, ये चेक करें जी, ये दोस्तों चार पेटियाँ वो सामने नज़र आ रही हैं, तीन पेटियाँ ये दोस्तों नीचे नज़र आ रही हैं, और आठ पेटियाँ इस तरफ हैं, एक पेटी इस तरफ है। तो माशाल्लाह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाने बन गए कबूतरों की ब्रीडिंग के लिए। तीन पेटियों में दोस्तों माशाल्लाह से अंडे भी आ चुके हैं, और इंशाल्लाह दोस्तों आज चेक करेंगे कि अंडे फर्टाइल हैं या नहीं। दोस्तों अभी तक बच्चे नहीं आए, लेकिन अंडे आज चेक करेंगे कितने अंडे फर्टाइल हैं या कितने अनफर्टाइल हैं। ये दोस्तों हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने अंडों में से बच्चे निकलेंगे, कितने अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों आज चेक करेंगे जी। कबूतर दोस्तों हमारे दाना खाने में मसरूफ़ हैं, जब तक दोस्तों कबूतर दाना खाते हैं तो उस तरह दोस्तों चलते हैं मास्टर केज की तरफ। जैसे आप मेरे सेटअप पे कबूतरों की वीडियो देखते नज़र आ रहे हैं, तो आज दोस्तों आपको ज़रा कबूतरों से हट के भी कोई चीज़ दिखाएंगे। इस तरह दोस्तों जो हमारा मास्टर केज है, इसमें रैबिट्स भी हैं माशाल्लाह, खरगोश हो गए, बजीज पैरट हो गए, और वाइट वाइट डफ खुमरे भी माशाल्लाह से हो गए। तो ये दोस्तों दाने की तलाश में अब नीचे सारे आ चुके हैं, अभी भूखे हैं, दोस्तों दाने का टाइम है। तो पहले दोस्तों उनको दाना दे लेते हैं। ये दोस्तों जो नीचे हमारे खुमरे फेर रहे हैं उनके लिए दोस्तों मैं दाना यहाँ डाल देता हूँ, ये खुमरे दोस्तों यहाँ दाना खाते हैं, और बजीज पैर भी दोस्तों माशाल्लाह से सारे नीचे आ चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। तो इनका दोस्तों प्रॉपर जो बर्तन है वो ये रखा हुआ है, इसमें दोस्तों इनका दाना हम डाल देते हैं, ये दाना इनका डाल दीजिए हमने बजीज पैरट का, ये दोस्तों यहाँ से दाना खाते रहे, ये खरगोश और बजीज पैरट, ये वाइट डव, ये दोस्तों सारे माशाल्लाह एक ही मास्टर केज में एक ही जगह रहते हैं, एक जगह दाना खाते हैं। तो ऊपर दोस्तों दाने का डालने का मकसद ये है कि खरगोश जो है वो बजीज पैरट का दाना खा जाते हैं, तो इसलिए खरगोश को लगते हैं मोशन, तो इसलिए दोस्तों दाना ऊपर रखा है। तो खरगोशों को भी दाना हो चुका है, मतलब उनको थोड़ा सा दाना दिया है। तो अभी दोस्तों इनको जो घास है वो देना है, तो ये दोस्तों मैंने बोरी भर के लाई हुई घास की, तो ये दोस्तों हम दे रहे हैं ये खरगोशों को। तो अगर आप दोस्तों को कबूतरों के अलावा और भी वीडियो देखनी है और भी परिंदों की, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह आपको तमाम परिंदों की वीडियो इस मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों ये मेरे हाथ में खरगोशों का घास है जी, दोस्तों यहाँ हम रखते हैं खरगोशों के लिए, खरगोश दोस्तों अपना घास खाते रहेंगे,
और वाइट डाफ नीचे से दाना खाते रहेंगे, उस तरफ बजीज पैरेट वो अपना दाना खाते रहेंगे। ये दोस्तों बजीज पैरेट की मैंने लगाई हैं मटकियाँ, मास्टर केज दोस्तों बना हुआ है, छोटा सा मिनी जू है। तो यहाँ से परिंदे ऊपर दोस्तों दाना खाते रहेंगे, यहाँ इस जगह मटकियाँ हैं, यहाँ दोस्तों परिंदे ब्रीड करेंगे। अभी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो बजीज पैरेट हैं उन्होंने मटकियाँ सेलेक्ट करना शुरू कर दी हैं, इंशाल्लाह चांद ही दिनों में अंडे आ जाएंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। तो ये दोस्तों हमारे जो खरगोश हैं नीचे दाना खाने में मसरूफ़ हैं जी, ये खरगोश भी दोस्तों गाजर भी खाते हैं, मूली के पत्ते, सलाद, खीरा और बिस्किट, रोटी, घास, पालक और जो दोस्तों इनको चीज़ आ रही है वो खा लेते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि इनको रोटी और जो बाजरा है वो ना दिए, दोस्तों गर्म होती है तो इसलिए इनको मोशन लगते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि इनको घास ही डाला जाए, जो इनकी असल खुराक है वही खाएँ। एक दफ़ा दोस्तों मैं आपको अपने मिनी जू का विज़िट करवा दूँ। इस तरह दोस्तों हमारे कबूतर हैं, ब्रीडिंग सेटअप और प्रवाली सेटअप दोस्तों अभी मिक्स ही हैं। तो दोस्तों ये दो दरवाजे लगे हैं अंदर खुरले के, बाहर जो केज है उसके दोस्तों दो दरवाजे हैं। अभी दोस्तों अंदर खुरले के अंदर भी दोस्तों पटिशन होनी है और बाहर भी जाल में पटिशन होनी है, ताकि उड़े वाले कबूतर एक तरफ हो जाए और जो जोड़े वाले कबूतर हैं वो एक तरफ हो जाए। अभी दोस्तों वक्त ही हमने पेटियाँ यही लगाएंगे, सर्दी है तो आगे इंशाल्लाह जब सीज़न शुरू होगा तो इंशाल्लाह इसको हम अलग अलग कर देंगे। और इस तरह दोस्तों हमारे बजीज पैरट और दूसरे खरगोश खुमरे, इस तरह दोस्तों मास्टर केज बना हुआ है, इसमें माशाल्लाह तो काफ़ी परिंदे हैं। अभी वाइट डब दोस्तों हमें गिफ्ट मिली थी वो हमने इसमें लाई है, इंशाल्लाह वो भी चार दिनों में ब्रीड कर देगी, उसकी पछियाँ भी लगाने वाली हैं। तो कॉकटेल और लव बर्ड भी दो, वो भी दोस्तों इंशाल्लाह इस मास्टर केज में हम लेके आएंगे। और इस तरह दोस्तों हमारी ज़ेब्रा फिंच है, तो जो दोस्त नहीं जानते ज़ेब्रा फिंच के बारे में मैं उनको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ज़ेब्रा फिंच ये दोस्तों हमारी कलोनी जी ज़ेब्रा फिंचेस की, और माशाल्लाह ये दोस्तों हमारी ज़ेब्रा फिंचेस कुछ नीचे आई हुई हैं और कुछ ऊपर। ये दोस्तों ज़ेब्रा फिंच की कलोनी, ये माशाल्लाह से ज़ेब्रा फिंच हमारी कुछ मटकियों में बैठी हुई हैं और कुछ ये बाहर बैठी हुई हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़ेब्रा फिंच ने ब्रीडिंग की हुई है, कुछ अंडे भी आए हुए हैं, कुछ बच्चे भी निकले हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो में शेयर करूँगा ज़ेब्रा फिंच के बारे में भी। अभी चलते हैं दोस्तों कबूतरों की तरफ, उनकी दोस्तों जाके करते हैं कैंडलिंग, चेक करते हैं जी कितने अंडे फर्टाइल हैं। तो उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं पाक बर्ड गर्ली, और मेरा सेकंड चैनल शहर में पेंडू, उसको भी दोस्तों आप जाके विजिट करें। उस पर आपको व्लॉग मिलेंगे परिंदों के, इंशाल्लाह वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हैं, एंटरटेनमेंट है वहाँ इस वीडियो उस चैनल पर, इंशाल्लाह काफ़ी आपको मज़ा आएगा वो चैनल को विजिट करने में, वीडियो को देखने में। तो अभी दोस्तों चलते हैं जी केज के अंदर। अभी दोस्तों फीमेल जो है वो अंदर आ चुकी हैं, तो एक फीमेल दोस्तों ये बैठी हुई जी। तो दोस्तों ये वाला जो एग्स है माशाल्लाह से दोस्तों फर्टाइल है, ये देखें माशाल्लाह इसमें दोस्तों बच्चा जो है बन रहा है। और माशाल्लाह दोस्तों ये वाला जो एग्स है ये भी फर्टाइल है माशाल्लाह दोस्तों, दोनों एग्स जो हैं ये फर्टाइल है। और दोस्तों माशाल्लाह ये वाला जो एग्स है ये भी माशाल्लाह फर्टाइल है दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा ये भी माशाल्लाह फर्टाइल है। और ये दोस्तों देख लेते हैं ये वाला भी माशाल्लाह से फर्टाइल है दोस्तों, माशाल्लाह जो चार अंडे हैं वो फर्टाइल निकल आए हैं जी। अभी दोस्तों दो अंडे रहते हैं वो चेक करते हैं, इनका दोस्तों भी डाउटफुल है क्योंकि दोस्तों ये अंडे दिए हुए तीन से चार दिन हो चुके हैं, और ये भी दोस्तों मुझे फर्टाइल ही लग रहा है क्योंकि दोस्तों उसके अंदर तारे सी बनी हुई हैं इस एग्स के अंदर। तो ये चेक करते हैं, ये भी दोस्तों माशाल्लाह से फर्टाइल है, इसके अंदर दोस्तों जाला सा बना हुआ है। दोस्तों फाइनली कबूतरों की जो कैंडलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप दोस्तों के तावन का शुक्रिया जो दोस्त हमें इतना सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। दोस्तों वीडियो खत्म, तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।